अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लारावेल वेबिनार ब्रॉट यू बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोसाइटी मेहरान यूनिवर्सिटी। गाइस टुडे आज हमारे पास अली उस्मान हैं जो लारावेल पर इंट्रोडक्टरी वेबिनार करने वाले हैं। थैंक यू अली उस्मान फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। एंड आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आपको नहीं जानते होंगे। So over to you, sir. Hello. Hello, Assalamu Alaikum. This is Ali Usman. Let me introduce myself first. I'm a full stack developer, having a professional experience of more than two years. मैंने काफ़ी कंपनीज में भी इस्लामाबाद में काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायमन प्राइवेट लिमिटेड वहाँ पे एक कंपनी है जहाँ पे हम फॉरेन प्रोजेक्ट्स पे काम किया करते थे और जिसमें ज़्यादातर हम जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ करते थे वो लारावेल, एंगुलर, जेंगो, पाइथन, फ्लास्क वगैरह यूज़ करते थे। और आजकल मैं एक यूरोपियन कंपनी के साथ कोलेबरेट कर रहा हूँ। IPID वहाँ की एक कंपनी है और हमारे एक वहाँ पे यहाँ पे एक हमारा एक मेन प्रोजेक्ट था, आप देख रहे हैं शॉपरीफाई के नाम से। ये एक्चुअली ये एक फेसबुक एड एस्पायर था जिसपे हमने मिलियंस ऑफ डेटा के साथ MySQL में मैनिपुलेशन वगैरह की थी। और ये एक्चुअली हमने इसमें इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था कि हम एक पूरा एक फेसबुक एड इस पर बनाना चाहते थे जिसपे हमें पता लगे कि आजकल फेसबुक पे किस प्रोडक्ट्स की क्या एड्स चल रही हैं और क्या आजकल प्रोडक्ट डिमांड में। इसके अलावा आज हम के अपने सेशन में लारावेल पे बात करेंगे। लारावेल है क्या, लारावेल हमें क्यों यूज करनी चाहिए और इसके फीचर्स वगैरह क्या हैं। बेसिकली लारावेल इज वन ऑफ द हाईली यूज्ड ओपन सोर्स मॉडर्न वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट डिजाइन कस्टमाइज वेब एप्लीकेशन क्विकली एंड इजीली। आजकल लारावेल की काफी डिमांड है और काफी लोग इसको बैकएंड के लिए यूज करते हैं बिकॉज लारावेल पे हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो काफी क्विकली और इजीली बन जाती है और काफी कम कोड यूज करना पड़ता है हमें। इसमें जो मेन फीचर्स है हमारे पास वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेशन है। अब आप फॉर एग्जाम्पल हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर या ब्लॉग पोस्ट वगैरह, उसमें जितने भी जो यूजर हैंडलिंग सिस्टम होता है और फॉर एग्जाम्पल लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, लॉग आउट वगैरह, तो लारावेल हमें ये बिल्ट इन ही प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके अलावा जब बात आती है डेटाबेस के साथ मैनिपुलेशन की तो लारावेल हमें काफ़ी तरीके प्रोवाइड करता है जिसमें से डेटाबेस क्यूरी बिल्डर है और एलिक्वेंट है। ये आगे जाके हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि किस तरह वर्क करती हैं ये। बेसिकली लारावेल का जो स्ट्रक्चर है वो एक MVC टाइप स्ट्रक्चर है। MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। MVC करता क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर में। अब बात आ जाती है कि मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर है क्या। बेसिकली आपकी एप्लीकेशन का जितना भी डेटा होता है वो मॉडल कहता है कि यार इसको मैंने मैंने संभालना है और ये मेरे पास रहेगा। व्यू व्यू कहता है कि आपका जितना भी जो एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस है, यूजर को जो दिखाना है डेटा, जितना भी फ्रंट एंड है, वो कहता है कि यार ये मेरे पास रहेगा, मैं इसको संभालना मेरा काम है। इसके अलावा जो मेन थिंग आ जाती है कंट्रोलर। अब कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर एज अ ब्रिज काम करता है मॉडल और व्यू कंपोनेंट के बीच में। अब जितना भी डेटा ट्रैफिकिंग हो रही है, जितना भी डेटा फ्रंट एंड से मॉडल को जा रहा है या मॉडल से फ्रंट एंड को आ रहा है, तो कंट्रोलर बोलता है कि यार जितनी भी डेटा ट्रैफिक होगी वो मैं संभालूंगा, मेरा काम है कि किस यूजर को क्या डेटा दिखाना है, किस यूजर इंटरफेस पे क्या डेटा शो कराना है, किसको क्या नहीं शो कराना। इसकी एक हेल्दी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप जब किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह में जाते हैं तो उनका जो प्लांट होता है पूरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोका कोला का प्लांट ले लेते हैं हम, तो उसका उनका जो प्लांट होता है वो काफी पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ होता है। कहीं पर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, कहीं पर बॉटल फिल हो रही होती है, कहीं पर उसका कैप लग रहा होता है, कहीं पर वो पैक हो रही होती है। तो इससे होता क्या है कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक काम मखसूस हो जाता है और उनका फोकस उसी पे रहता है।
लाइक अगर जहाँ पे बॉटल क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ के वर्कर्स सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे कि हमारी बॉटल में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल 100% ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम क्या कहते हैं एक डिपार्टमेंट आता है जहाँ पे बॉटल फिल होती है तो वो उस पर फोकस करते हैं कि हर बॉटल का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और इक्वली फिल होनी चाहिए सारी। इससे होता क्या है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इसी तरह वेब एप्लीकेशंस में भी ये MVC का कॉन्सेप्ट है। इससे होता क्या है कि आपकी जो आपका जो कोड है वो काफ़ी उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, एरर सॉल्विंग काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि हर चीज़ अपना अपना काम कर रही होती है। तो इसलिए हमें जब कोई एरर शो भी होता है तो हमें पता होता है कि यार ये एरर कंट्रोलर का है या मॉडल का है या व्यू का है, तो इसलिए इसमें काफ़ी ईजी हो जाता है। और बेसिकली लारावेल मैं किस लिए इस्तेमाल करता हूँ, लारावेल ज़्यादातर में बैकएंड में इस्तेमाल होता है वो डेटा या APIs के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज ये सिक्योर बहुत है, इसमें SQL इंजेक्शन का कोई चांस नहीं होता, तो आपका डेटा काफ़ी सिक्योर रहता है। इसके बाद हम आते हैं कि लारावेल इंस्टॉल वगैरह किस तरह होती है। तो लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट सबसे पहले आपको एक लोकल सर्वर XAMPP रिक्वायर्ड होता है। तो आप XAMPP इंस्टॉल करने के बाद, इसके अलावा आप लारावेल की गाइड में भी आएंगे, वो काफ़ी इजीली लिखी हुई है गाइड, तो ये आपको बताता है कि आपको XAMPP का कौन सा 7.25 सर्वर रिक्वायर्ड है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंपोजर रिक्वायर्ड होता है, आप कंपोजर इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप कंपोजर इंस्टॉल कर लेंगे तो CMD में आने के बाद अगर आप यहाँ पे कंपोजर लिखेंगे तो आप अगर आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया होगा तो ये आपको बताएगा कि हाँ भाई आपके पास कंपोजर आ चुका है। इसके बाद आप सिंपली CMD में ये कमांड रन करेंगे, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल इंस्टॉलर। ये कमांड रन करने के बाद आप ये आपको बता रहे हैं कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मैक है तो आप यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेव करें, विंडोज है तो ये वाला एनवायरनमेंट वेरिएबल सेव करें। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल आते कहाँ से, आप सिंपली एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करके यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल का एक टैग बना हुआ है, यहाँ पे आके सिंपली आप पाथ में यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे तो आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल बन जाएगा। तो आप उसके बाद आके यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपके पास लारावेल एक्सेसिबल हो गई है या नहीं। ऑल गुड, हमारे पास लारावेल आ चुकी है। अब लारावेल पे प्रोजेक्ट क्रिएट किस तरह होता है, तो ये देखिए ये अवेलेबल कमांड्स में हमें बता भी रहे हैं कि अगर आपको लिस्ट ऑफ कमांड्स चाहिए, हेल्प चाहिए कोई भी, तो आप ये कर सकते हैं। तो अब लारावेल पे प्रोजेक्ट क्रिएट किस तरह होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लारावेल न्यू और कोई भी प्रोजेक्ट नेम आप XYZ जो भी करेंगे, आपके 5 to 6 मिनट लेगा, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, इस तरह का प्रोजेक्ट आएगा आपके पास। अब मेन थिंग ये है कि इस प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ लिंक कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अपने लोकल होस्ट के ऊपर, और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं म्यूट के नाम से। ठीक हो गया, म्यूट के नाम से हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया है। What's happening? Welcome to .php. Start. Sorry for interruption. तो यहाँ पे हम म्यूट के नाम से एक आप स्टार्ट करने के बाद, XAMPP स्टार्ट करने के बाद, आप अपाचे और MySQL स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एक लोकल सर्वर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपने एक म्यूट के नाम से हमने एक ये क्रिएट कर लिया डेटाबेस। अब हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर में आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक .env की फाइल मिलती है, .env की फाइल मिलती है जहाँ पे हमें बताता है कि DB कनेक्शन MySQL, डेटाबेस नेम हमारे पास लारावेल है और यूजर नेम हमारे पास हमेशा रूट होता है, पासवर्ड कोई नहीं है। तो सक्सेसफुली आपकी सिर्फ इतनी इजीली आपकी पूरी एप्लीकेशन कनेक्ट हो जाती है डेटाबेस से। इसके बाद आते हैं लारावेल राउट्स क्या होते हैं, राउट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह कंट्रोलर्स वगैरह वर्क करते हैं राउट्स के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लारावेल में राउट डिफाइन किस तरह होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर होता है राउट्स के नेम से, राउट्स में आएंगे web.php में। ठीक हो गया, अब यहाँ पे
आपको दिखाया हुआ भी है उसने कि राउट का सिंटेक्स क्या है डिफाइन करने का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम डमी राउट बनाते हैं, राउट डॉट गेट. अब फर्स्ट पैरामीटर में हमें अपनी एक यूआरएल पास करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल डेमो के नाम से मैं यूआरएल पास करता हूँ, एक फंक्शन इसमें पास करते हैं और फंक्शन कुछ हमेशा रिटर्न करता है. तो रिटर्न हेलो आई एम फ्रॉम राउट वेब, आई एम फ्रॉम routes. ठीक हो गया. अब लारावेल को लोकली सर्व करने के लिए कमांड होती है, वो हम फर्स्ट करते हैं. तो php artisan सर्व, ये हमारी एक कमांड होती है जिससे हम लोकली इसको सर्व कर सकते हैं. ये हमें एक लिंक दे देगा. हम इसको जाके यहाँ पे रन करते हैं. तो देखिए हमारे पास एक तो ये लारावेल का जब आप क्रिएट करेंगे तो सिंपली आपके पास ये आ जाएगा. हमने यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट किया था डेमो के नाम से. तो यहाँ पे चलते हैं कि हमें देखें क्या रिटर्न करता है. तो देखिए हेलो आई एम फ्रॉम राउट्स, ओके. लेकिन मैंने कहा था आप लोगों को जो जितना भी डेटा, फॉर एग्जाम्पल ये समझ ले कि डेटा आप मॉडल से आ रहा है, लेकिन ये काम करना कंट्रोलर का काम है, होता है. तो फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलर किस तरह क्रिएट करते हैं, तो हम एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलर का एक कमांड है php artisan make controller, और पोस्ट कंट्रोलर के नाम से हम एक कंट्रोलर बनाते हैं. ठीक हो गया. ये कह रहा है कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएट सक्सेसफुली. अब कंट्रोलर होते कहाँ हैं, हम यहाँ पे हमारी एक ऐप के नाम से फोल्डर है, http में आएंगे. http में यहाँ पे आके हमारे पास एक कंट्रोलर का फोल्डर है, और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कंट्रोलर बन चुका है. ठीक है, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स के नाम से, और रिटर्न करते हैं हेलो आई एम फ्रॉम कंट्रोलर. ठीक हो गया. अब एक राउट क्रिएट करते हैं दूसरा, स्लैश डेमो टू के नाम से. ठीक है, अब डेटा हम कंट्रोलर से लेंगे. तो अब हमें इस राउट को बताना है कि भाई आपने जो अपना डेटा लेना है वो किस कंट्रोलर से लेना है. अब हमारे पास पोस्ट कंट्रोलर है, तो हम बोलेंगे कि भाई पोस्ट कंट्रोलर, और पोस्ट कंट्रोलर में हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था इंडेक्स के नाम से. तो हमने इसको राउट को बताना है कि आपने अपना डेटा अब लेना है पोस्ट कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन से, ओके. या सिंपली ये हमने एक राउट डिफाइन कर दिया. अब जाके चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है. तो डेमो टू पे देखें हेलो आई एम फ्रॉम कंट्रोलर. तो अब हमारे पास इस तरह ये एक हमने व्यू कंट्रोलर को देख लिया कि किस तरह कंट्रोलर में वर्क करते हैं. अब आते हैं हम व्यू की साइड में कि अब व्यू पे किस तरह डेटा दिखाना है. तो यहाँ पे हमारे पास एक रिसोर्सेस का फोल्डर होता है, इसमें व्यूज होती है हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल व्यू क्रिएट करते हैं हम डेमो डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के नाम से. ठीक हो गया, ये हमने एक व्यू क्रिएट कर दी. यहाँ पे एक हम राउट बनाते हैं दूसरा, आवाज सही आ रही है मेरी सबको? हेलो जी जी, आवाज बिल्कुल सही आ रही है. ये मोहम्मद हारिस सईद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. हारिस आप जो है ना दोबारा से ज्वाइन कर लें, शायद आपका नेटवर्क इशू आ रहा है कोई किसी का. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हमें अपना जो मेन थिंग है, हमने एक व्यू बनाया डेमो डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के नाम से, ओके. अब हम एक राउट बनाते हैं,
ठीक है, स्लैश उसका डेमो 3 करते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं, सॉरी हम बताते हैं उसको कि भाई पोस्ट कंट्रोलर एट डेमो से आप अपना डेटा ले लें। ठीक है, हम यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर में आते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन के नाम से, डेमो के नाम से एक हमने फंक्शन बनाया, उसमें रिटर्न करवाएंगे। अब समझ लें कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, उसमें हम कोई डेटा करते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। समझ लें कि आप ये डेटा आपका मॉडल से आ रहा है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल समझ लें, इसको हम आगे करेंगे कि इस तरह आता है। अब रिटर्न करेंगे तो अब हमें इसको बताना भी है कि भाई आपको ये डेटा किस व्यू पे जाके आपको दिखाना है, तो एक फंक्शन आता है व्यू का, इसमें हम सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई आपने जी जो हमने बनाई है, लेफ्ट मी ज्वाइन ऑडियो होगा उसकी ज्वाइन क्या हो रहा है, ओके व्यू को हमने पहले बताया कि भाई आपने इस फ्रंट एंड को अपना डेटा शो कराना है, और अब इसके साथ ही हमने ये वेरिएबल भी पास करना है ताकि हम वहां पे इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकें। तो कॉम्पैक्ट स्लैश ए हमने ये पास किया, ठीक है, हम अब यहाँ पे आते हैं, प्रिंट करते हैं वेरिएबल ए को, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम अपना देखते हैं कि किस तरह डेमो 3, देखें हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया। अब आपने देखा किस तरह स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ पे हम राउट्स डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह कंट्रोलर से हम डेटा ले रहे हैं। यार देखें बेसिकली राउट्स हर आप जब क्या कहते हैं कोई भी एप्लीकेशन पे जाते हैं, हर पेज का अपना एक राउट होता है, अपनी यूआरएल होती है, तो सिंपली राउट इज दिस। अब यहाँ पे मैं अगर आपको सिंपली हर चीज एक एक चीज बताने लग जाऊंगा, राउट तो इतना टाइम है नहीं हमारे पास ना, तो बेसिकली मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखें आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह पे जाते हैं तो हर एक पेज का अपना एक यूआरएल होता है, उसका अपना एक राउट होता है जिसपे वो डेटा शो करवाता है डेटाबेस से लेके, तो इसलिए हर पेज का एक अपना यूआरएल डिफाइंड करना पड़ता है यूनिक। अब हम आते हैं ये करने के बाद कि किस तरह हम कंट्रोलर से डेटा लेते हैं, राउट को देते हैं, किस तरह शो कराते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम आते हैं कि लारावेल में टेबल किस तरह क्रिएट की जाती है फॉर डेटाबेस। तो इसकी एक हमारे पास एक कमांड है पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट पोस्ट टेबल क्रिएट पोस्ट्स, ठीक हो गया। आप जब ये करेंगे तो ये बोल रहा है क्रिएटेड माइग्रेशन, अब हमें एक माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। अब माइग्रेशन इज रिलेटेड टू डेटाबेस, तो जब डेटाबेस में हम जाएंगे यहाँ पे माइग्रेशंस का एक फोल्डर होगा, तो ये हमारे पास एक ये देखें हमारे पास एक माइग्रेशन का फोल्डर बन चुका है, ओके। अब बेसिकली अब इसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारी टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स वगैरह होने चाहिए, तो टेबल स्लैश फर्स्ट ऑफ ऑल एक पोस्ट होती है, तो हम एक सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, पोस्ट में एक टाइटल हो जाए और उसकी एक बॉडी होनी चाहिए कि जिसमें डिटेल वगैरह, तो स्ट्रिंग ये उसकी डेटा टाइप्स में बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये जिस तरह हम टेबल में डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं वार चार इंटीजर, तो स्ट्रिंग में हम एक टाइटल के नाम से एट्रीब्यूट बनाते हैं और एक अब बॉडी में हमने काफी डिस्क्रिप्शन होती है तो हम एक टेक्स्ट के नाम से बनाते हैं स्लैश बॉडी, ठीक हो गया। अब टाइम स्टैम्प बेसिकली ये क्या है, टाइम स्टैम्प
ये ऑटोमेटिकली जब आप माइग्रेशन करेंगे तो ये आपको एट्रीब्यूट्स बना देगा कि ये पोस्ट क्रिएट कब होती है, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट का सीन बना लेता है ये। अब इस टेबल को हम डेटाबेस में माइग्रेट करते हैं, तो इजी, सिर्फ पीएचपी आर्टिसन मेक, पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। ये कमांड्स आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको सारी कमांड्स एक स्लाइड में दे दूंगा, आपने परेशान नहीं होना है। तो पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट करेंगे तो देखें इसने सारी माइग्रेट कर दी है। तो अब हम आते हैं अपने लोकल होस्ट पे और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये बन गई है। देखें तो मैंने आपको कहा था ये हमें यूजर वगैरह जो जितना भी सीन होता है ये हमें लारावेल खुद प्रोवाइड करता है, तो इसने खुद बना लिए। बाकी पोस्ट हमने जो बनाई थी तो ये देखें इसने टाइटल और बॉडी हमें प्रोवाइड कर दिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम आते हैं कि थ्रू लारावेल हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट किस तरह करें। खैर लेफ्ट छोड़ो, अब हम देखते हैं कि लारावेल के थ्रू डेटाबेस में डेटा क्रिएट किस तरह होता है। अब इसके दो तीन तरीके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आप सिंपली थ्रू क्यूरी भी कर सकते हैं, एक सिंपली आप थ्रू क्यूरी बिल्डर भी कर सकते हैं और थ्रू एलिक्वेंट भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको तीनों तरीके बता देता हूँ कि किस तरह आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक राउट बनाते हैं स्लैश इंसर्ट एक फंक्शन। अब मैं बार बार मैं यहीं पर ही कोड कर रहा हूं, मैं बार बार कंट्रोलर में फंक्शन अलग नहीं बना सकता। तो आप मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह कंट्रोलर से डेटा लिया जाता है, तो मैं यहीं पर ही वर्क कर रहा हूं, आपने कॉन्सेप्ट लेना है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल अब हमें मैं सिंपली एक थ्रू रॉ एसक्यूएल क्यूरीज पे रॉ एसक्यूएल क्यूरी पे डेटा एंटर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे डीबी रिक्वायर्ड होगा, तो हमने यहाँ पे अपने डेटाबेस को बैच कर लिया है। उसके बाद हम अपने डीबी को कॉल करेंगे इंसर्ट इनटू, अब हमारी टेबल क्या थी, पोस्ट्स और टाइटल और बॉडी, ठीक है। अब ये देखिए ये सीन इसलिए होता है, ये पीडीओ के लिए यूज होता है। देखें क्वेश्चन मार्क, देखें क्यूरी अलग जा रही है और वैल्यूज अलग जा रही हैं, ये बिकॉज ऑफ पीडीओ करते हैं ताकि हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सके और हमारा डेटा सेफ है। तो टाइटल में हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल पीएचपी और बॉडी में हम लगाते हैं लारावेल, ठीक है। और हम रिटर्न करते हैं डेटा इंसर्टेड, ठीक हो गया। ये सिंपल मैंने क्यूरी लिखी है। अब हम इस यूआरएल पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये इसने हमें दे दिया डेटा इंसर्टेड। अब हम जाके देखते हैं कि डेटा हमारे पास आया या नहीं। फॉर तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा कि रॉ एसक्यूएल से डेटा किस तरह इंसर्ट होता है। अब हम करते हैं कि थ्रू क्यूरी बिल्डर इंसर्ट किस तरह करते हैं। अब क्यूरी बिल्डर है क्या, बेसिकली क्यूरी बिल्डर एक इसका लारावेल का फीचर है। हम सिर्फ इसको बताते हैं कि भाई हमारी ये टेबल है और ये हमारे वैल्यूज हैं, वो खुद ही आपकी क्यूरी बिल्ड करके डेटा इंसर्ट कर देता है। तो राउट गेट एक और यूआरएल इंसर्ट टू फंक्शन बनाते हैं और डीबी को अपना डेटाबेस कॉल करवा के सबसे पहले हम बताते हैं कि भाई हमारी ये टेबल है पोस्ट के नाम से और इसमें इंसर्ट करवाते हैं हम अपनी जितनी भी हमारी क्या कहते हैं वैल्यूज हैं वो। तो सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस में
टाइटल और बॉडी है, तो हम अपना एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे यहाँ टाइटल, और अब उसकी वैल्यू के फॉर एग्जांपल रिएक्ट, और बॉडी में हम करेंगे हाउ टू रिएक्ट। ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सिंपल क्यूरी रॉ क्यूरी से किया था, अब हम ये क्यूरी बिल्डर से कर रहे हैं। तो देखें आपकी कोड और कम हो गया है, सिर्फ हमने इसको बताया है कि भाई ये टेबल है और इसमें ये इंसर्ट करना है। रिटर्न करते हैं, डेटा इंसर्टेड अगेन, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ये हो किस तरह काम करता है, ठीक हो गया। इंसर्ट टू में जाते हैं हम, आई थिंक मैंने सेमी कॉलन भूल गया, यस सेमी कॉलन। तो देखें ये कह रहा है कि डेटा इंसर्टेड अगेन। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा आ चुका है, बिल्कुल डेटा आ चुका है। अब हमने लारावेल में दो तरीकों से डेटा इंसर्ट करना सीख लिया है। अब इसका जो मेन फीचर है जो मुझे बहुत पसंद है वो है एलिक्वेंट। अब एलिक्वेंट है क्या, एलिक्वेंट इसका फॉर जिस तरह एलिक्वेंट भी आपका डेटा डेटाबेस में इंसर्ट या डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए यूज होता है, लेकिन एलिक्वेंट करता है क्या है कि एलिक्वेंट अब मॉडल यूज करता है डेटाबेस से मैनिपुलेशन करने के लिए, और इससे मेन थिंग ये होता है कि डेटाबेस में ये एलिक्वेंट में काफी चीजें बिल्ट इन इन्होंने बनाई हुई है लारावेल वालों ने, तो हमारा कोड काफी कम हो जाता है इससे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह अब एलिक्वेंट के लिए हमें यूज करने के लिए, तो सबसे पहले हम एक जो हमारी पोस्ट टेबल है उसका एक मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल पोस्ट, ठीक है, ये कह रहा है आपका मॉडल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक हो गया हमारा मॉडल सब सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब आते हैं राउट, राउट में आते हैं और एक राउट दूसरा बनाते हैं कि हम किस तरह तीसरे तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं डेटा। फंक्शन अब सबसे पहले हमने जो मॉडल बनाया था अपने टेबल का पोस्ट उसको यहाँ पे रखते हैं, यूज एप यूज पोस्ट, हमारे पास यहाँ पे अपना मॉडल आ गया। अब हम अपना मॉडल यहाँ लेके आएंगे, ठीक हो गया। अब सिंपली क्या करना है कि आप क्रिएट करेंगे, सिंपली क्रिएट की फंक्शन मॉडल के साथ मॉडल को बताना है कि भाई हमें डेटा क्रिएट करना है, तो सिंपली आपने मॉडल लिया उसको बताया कि हमने डेटा क्रिएट करना है और क्या क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग पोस्ट, बॉडी में टेस्टिंग पोस्ट करते हैं और रिटर्न करते हैं पोस्ट क्रिएटेड। ओके, अब हम चेक करते हैं इसको इंसर्ट थ्री के नाम से। अब ये क्या कह रहा है कि एड अ टाइटल टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ द मास असाइनमेंट ऑन ए एप पोस्ट, ठीक हो गया। अब ये क्यों कहता है कि फॉर एग्जाम्पल हम अभी पोस्ट पोस्ट में ये डेटा भेज रहे हैं ना, तो अब हमने पोस्ट मॉडल को बताना है कि यार आपके पास ये डेटा आएगा यूजर की तरफ से, इसके अलावा आपने नहीं लेना, क्योंकि अगर इस तरह ना हो तो हम कोई भी डेटा भेज सकते हैं अपने आप को, लाइक फॉर एग्जाम्पल एडमिन भी बना सकते हैं अपने आप को, एचओडी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें पोस्ट को बताना पड़ता है पोस्ट मॉडल को कि भाई आपने सिर्फ ये डेटा लेना है यूजर का, इसके अलावा आपने कोई डेटा नहीं लेना। तो अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं प्रोटेक्टेड फिलिएबल के नाम से,
और इसमें हम अपनी जितनी भी एट्रीब्यूट्स है नहीं है डेटाबेस के, वो एक टाइटल था और एक बॉडी थी। ओके, ये हमने इसको बता दिया कि भाई आपके इस मॉडल, आप मॉडल को बता दिया कि हमने आपके पास यही एट्रीब्यूट्स आएंगे, इसके अलावा आपको आए तो आपने नहीं एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाँ, अब ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, उन्होंने मुझे बता दिया है, अब मैं पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ, और इसने पोस्ट हमारी क्रिएट कर दी है। ऑल गुड। अब इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, यहाँ तक जितना इन सबको समझ आ गया यानी। If anyone have a question, you can ask. गाइज, आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या चैट में पूछना चाहें तो वहां पर भी सवाल कर सकते हैं आप। वालेकुम सलाम। जी सर, आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा इसी सेशन को जल्दी से आप थोड़ा रिवाइज कर दें दोबारा से, क्योंकि शुरू में मुझे माइक स्पीकर का इशू हो गया था, उस वजह से भी मैं थोड़ा मिस कर दी यार, चीजें। काफी मुश्किल हो जाएगा रिवाइज करना तो अब समझ। कैन वी डू इट? हल्का सा कंट्रोल अगर अपना कंट्रोल रिकॉर्डिंग आ जाएगी हरिस, आपको अगर रिवाइज का इशू हो रहा है तो रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, और एंड में उस्मान जो है पीपीटी भी दे देंगे आपको। जी, मैंने आपके लिए काफी अच्छी से तैयार रेडी की है, तो वो मैं आपको सारी मटेरियल भी दे दूंगा, जो आपको काफी इजी हो जाएगा। थैंक यू। उबैदुल्ला शमसी, आपने हैंड रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई वांट टू आस्क के आपने जो दो प्रीवियस मेथड किए थे, जी, उसमें जब आपके ये दो कॉलम्स हैं क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड, जी, ये ऑटोमेटिकली नल इंसर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो इस जब आपने जी पोस्ट से किया तो उसने टाइम एंड डेट शो कर दी। जी बिल्कुल, वो इसलिए कि हम अब जो हमने पहले डेटा क्रिएट किया ना, वो हम मैनुअली कर रहे थे इसमें, तो हमने इसको बताया नहीं कि भाई तू आपने क्रिएटेड डेट भी करना है और अपडेटेड डेट भी करना है। लेकिन जब हमने तीसरे में जब थ्री थ्रू एलिक्वेंट किया, तो एलिक्वेंट क्या करता है कि वो मॉडल मॉडल से डेटा पास करता है, तो हमने अपने डेटाबेस में वो टाइम स्टैम्प को देखता है, तो थ्रू मॉडल जब वो पास करता है तो वो फिर हर चीज वो इसमें, क्योंकि हमारे पास ये बिल्ट इन होता है क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट मॉडल में, तो इसी तरह इसने आपको ये शो करवा दिया कि भाई अभी क्रिएट हो गई है। वरना क्योंकि ये हम मैनुअली कर रहे थे पिछले जो दो थे ना, तो हम मैनुअली फिर डेटा पास करना था इसमें। ठीक है सर। सर इनको हम हटा भी सकते हैं अगर हम नहीं चाहते कि हम दोनों कॉलम्स टाइम स्टैम्प आए, बाय डिफॉल्ट जो शो हो रहे हैं ये। जी बिल्कुल, हटा सकते हैं आप। सिंपली क्या कहते हैं, वहां से आप इसकी एट्रीब्यूट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये आप रखें तो ज्यादा अच्छा है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड का नाम था क्यूरी बिल्डर। गाइज अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं अभी भी। उस्मान, आई थिंक ऑल क्लियर, प्रोसीड करें। ओके, लेट मी। अब हमने हमारे जो फर्स्ट सेक्शन था, इसमें हमने देखा कि किस तरह आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट वेज। अब हम किस तरह डेटा रिट्रीव कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, दो मिनट,
All good. web.php में अब हम सबसे पहले अब देखें इसी तरह क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल इंसर्ट जिस तरह होता है फॉर एग्जांपल आपको अब सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी तो चले मैं करके दिखा देता हूँ ऐसा बात नहीं कोई बात नहीं तो राउट गेट डेटा slash posts is equals to db select all from posts ठीक हो गया अब मेन अब आपको चेक करना है कि इस पोस्ट वेरिएबल में डेटा आया या नहीं अब यहाँ तो आप एको भी करवा सकते हैं इसमें प्रिंट भी करवा सकते हैं लेकिन मुझे जो पसंद है मैं इसको डंप करता हूँ हमेशा तो एक डीडी फंक्शन होता है हमारे पास लारावेल में तो इसमें हम पोस्ट करेंगे और गेट डेटा में जाके देखेंगे कि हमारे पास डेटा आया है या नहीं गेट डेटा ऑल गुड अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 पोस्ट थी तो इसने हमें यहाँ पे एक एरे दे दिया है हर पोस्ट का ये काफी मुझे अच्छा लगता है पसंद है मुझे तो इसलिए मैं डीडी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ काफी अच्छा बन के आता है ये मुझे अच्छा लगता है तो ये आपके पास थ्रू रॉ एसक्यूएल हमारे पास डेटा आया अब थ्रू क्यूरी बिल्डर डेटा रिट्रीव करके देखते मैं डेटा टू बिनो गुड ठीक है ना अब देखें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंपली एक रॉ क्यूरी से रॉ क्यूरी से डेटा लिया अब हमने थ्रू क्यूरी बिल्डर लिया हमने सिर्फ क्या किया कि हमने इसको बताया कि भाई ये हमारी टेबल है और हमें डेटा गेट करके दे दे तो इसने खुद ही बैकएंड पे क्यूरी बिल्ड करता है ये और हमें काफी इजी हो जाता है और पोर्ट करना तो ये देखें कि हमारे पास ये सेम टू सेम वही डेटा वापस आ चुका है ठीक हो गया अब जो मेन सबसे जबरदस्त तरीका है एलिक्वेंट के थ्रू किस तरह डेटा गेट किया जा सकता है तो अब एक राउट बनाएंगे दूसरा गेट डेटा Three. और अब एलिक्वेंट के थ्रू कर रहे हैं तो एलिक्वेंट हमेशा थ्रू मॉडल डेटाबेस के साथ मैनिपुलेशन करता है तो हम अपने डेटा मॉडल को कॉल करेंगे ठीक है ना और इसको बताएंगे कि भाई हमें अपना सारा डेटा दे दो तो डीडी करेंगे पोस्ट तो देखें इसने हमें फॉर एग्जांपल गेट डेटा 3 हम अपना यूआरएल चेंज करते हैं तो ये देखें हमें इसने वापस सेम टू सेम वही डेटा प्रोवाइड कर दिया है लेकिन ये क्या करता है कि अब जब मॉडल हम मॉडल के साथ खेलते हैं तो ये हमें पूरा मॉडल भी बता रहा होता है कि भाई ये इसका टेबल ये है ये इसकी प्राइमरी की इसकी आईडी है तो इंक्रीमेंट इसमें ट्रू हुआ है तो हमें पूरी मॉडल प्रिंट करवा के देता है तो इसमें ये भी बहुत अच्छी बात है तो हम और देखें सारी हमें इसने वो डेटा वापस प्रोवाइड कर दिया है तो आप 3 तरीकों से डेटा के साथ खेल सकते हैं एनीवन हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क
नहीं उस्मान, ऑल गुड, प्रोसीड करें। ओके अब मेन थिंग आती है एलिक्वेंट के रिलेशंस के बारे में। अब एलिक्वेंट के रिलेशन होते क्या हैं? फॉर एग्जांपल एलिक्वेंट में रिलेशन होते हैं हैज वन, बिलोंग्स टू और मैनी टू मैनी। तो अब रिलेशन काम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हर बंदे का अपना एक पासपोर्ट होता है या हर बंदे का अपने घर का एक ही एड्रेस होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम बताते हैं मॉडल को कि भाई हर यूजर का एक ही एड्रेस होना चाहिए, एक ही पासपोर्ट होना चाहिए, इसके अलावा ना आपने सेव करना है ना आपने शो करवाना है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब थोड़ी मैंने एक यूजर फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम एक मॉडल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे यूजर का मॉडल है। तो अब कनेक्ट करने के लिए हमने इसमें पोस्ट के मॉडल में, पोस्ट के टेबल में एक यूजर आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि हर फॉर एग्जांपल हर पोस्ट की, हर यूजर की पोस्ट होती है तो हमने पता लग, इससे पता लगता है कि किस यूजर की कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं। फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं, ये पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक। ठीक हो गया। अब रोल बैक से क्या होता है कि आपकी जो जितनी भी क्या कहते हैं माइग्रेशंस होती हैं वो वापस चली जाती हैं। सब क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि एक माइग्रेशंस में आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, इंटीजर बताते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई ये यूजर आईडी लो आप। ठीक हो गया। और पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट। ठीक हो गया, हमने माइग्रेट किया तो हमारे पास सिंपली वापस टेबल्स आ गई हैं। और लेकिन अब हमारे पास एक और टेबल आ गई है। ठीक हो गया, मैं जल्दी से इसमें मैन्युअली डेटा थोड़ा सेव करता हूँ यूजर का। फॉर एग्जाम्पल gmail.com All good. हमारे पास दो यूजर यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि हम सबसे पहले रिलेशन पढ़ते हैं, हैज वन रिलेशन। अब हैज वन रिलेशन होता क्या है कि अब हमें बताना है कि हमने यूजर को बताना है कि भाई आपकी एक ही पोस्ट होगी, इसके अलावा नहीं होगी आपकी पोस्ट। ठीक हो गया। तो अब हम यूजर के मॉडल में आएंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक पब्लिक फंक्शन पोस्ट के नाम से, रिटर्न करेंगे दिस स्लैश हैज वन। और अब हमें इसको बताना है कि भाई हमारा ये जो, अब इसमें मॉडल पास करेंगे तो यहाँ मॉडल पहले कॉल करवा लें हम अपना। ठीक हो गया। तो अब हमें इसको बताना है कि हमारा ये मॉडल है। ठीक हो गया, ये हमने इसको यूजर को बता दिया है कि आपकी अब एक ही पोस्ट होगी, इसके अलावा और पोस्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते ना आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पे routes dot page। अब through relation हम किस तरह डेटा इंटर कर सकते हैं डेटाबेस में, तो एक राउट बनाते हैं इंसर्ट डेटा के नाम से।
एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले यूजर वन के लिए हमें पोस्ट क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो यूजर वन के लिए अगर पोस्ट क्रिएट करनी है तो सबसे पहले हम अपने यूजर मॉडल को कॉल करवाएंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, तो हमें समझ लें कि यूजर वन के लिए हमें पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या यूजर वन रिक्वायर्ड होगा, ओके। तो यूजर वन को पहले कॉल करेंगे, स्लैश यूजर इज इक्वल्स टू यूजर फाइंड बाय वन। तो हमने इसको कहा कि भाई हमें यूजर वन दे दे थ्रू यूजर के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पोस्ट किस तरह बना सकते हैं यूजर के लिए। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली एक पोस्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू आप एक पोस्ट का ऑब्जेक्ट कॉल कर लें, ठीक है। पोस्ट टाइटल इज इक्वल्स टू क्या, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस, ठीक है। और पोस्ट स्लैश बॉडी हाउ टू मेक वेबसाइट ऑन वर्ड प्रेस, ठीक है। और सिंपली हम क्या करेंगे कि पोस्ट एक सेव कर देंगे और रिटर्न करते हैं हम डेटा इंसर्टेड, ओके। लेकिन अब यूजर आईडी के लिए हमने क्या करना होगा कि पोस्ट यूजर आईडी इज इक्वल्स टू स्लैश यूजर, और हमें उसकी आईडी चाहिए। तो हम इसको बताएंगे कि भाई हमें इसमें से यूजर, क्योंकि अब मैं आपको एक चीज दिखा, ये जो हमें वेरिएबल पूरा एक यूजर प्रोवाइड करेगा ना, उसका नेम, उसकी ईमेल, तो लेकिन हमें तो उसकी सिर्फ आईडी चाहिए। तो हमने बताया कि भाई आपने सिर्फ यूजर की आईडी चाहिए हमें, तो इसको चेक करके देखते हैं। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल देखें, अब इसने कह दिया कि डेटा इंसर्टेड, ठीक हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पोस्ट में, तो देखें इसने हमने हमारी पोस्ट भी क्रिएट कर दी है और हमें यूजर आईडी भी दे दी है। अब हमने जो रिलेशन बनाया था हैज वन वाला, उसको किस तरह यूज कर सकते हैं हम डेटा क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राउट बना, एक राउट बनाते हैं, दूसरा इंसर्ट डेटा टू के नाम से फंक्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सम फॉर एग्जांपल हमें यूजर टू के लिए डेटा चाहिए, ठीक है ना। पोस्ट हमने बनानी है यूजर टू के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यूजर लेंगे, ठीक है, और यूजर मॉडल को कॉल कराना है, उसको बोलना है कि भाई हमें यूजर टू चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यूजर, हमारे पास यूजर मॉडल आ गया। अब हमने यूजर मॉडल में एक फंक्शन बनाया था पोस्ट के नाम से कि भाई हमने बताना है यूजर की एक ही पोस्ट होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो यूजर पोस्ट क्रिएट
title is equals to x, y, z / body equals to testing post. ठीक हो गया. अब हमने क्या किया, हमने पहले यूजर गेट किया और हमने बाकायदा मैनुअली बताया कि भाई आपने यूजर आईडी में इस वाले यूजर की डेटा डालना है. लेकिन अब हमने जो रिलेशन बनाया था हैज वन का, कि हमने बताया था यूजर को कि भाई आपकी एक ही पोस्ट होनी चाहिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम सिर्फ अपनी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं थ्रू यूजर. अब यूजर ये पोस्ट क्रिएट कर रहा है तो वो अपनी आईडी खुद ही इसमें क्रिएट कर देगा. पोस्ट क्रिएटेड बाय यूजर, ठीक हो गया. देखें अब ये क्या कह रहा है, पोस्ट क्रिएटेड बाय यूजर. अब हम आते हैं इधर, बूम, देखें कि इसने हमें खुद ही ऑटोमेटिकली उस रिलेशन की वजह से हमने सिर्फ अपनी पोस्ट क्रिएट की और यूजर आईडी इसने हमें ऑटोमेटिकली खुद प्रोवाइड कर दी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके नथिंग. ओके अब हम हैज वन के बाद हैज मैनी को देखते हैं. लाइक अब क्रिएट तो हो गया, ठीक है ना डेटा. अब डेटा रिट्रीव किस तरह हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं डेटा थ्रू एलिक्वेंट रिट्रीव किस तरह करना है. फॉर एग्जांपल एक राउट बनाते हैं गेट का रिट्रीव के नाम से, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक हो गया. अब हमें क्या करना है कि हम थ्रू यूजर वो पोस्ट हम ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक रिलेशन बनाया, हमने पोस्ट को रिलेशन बनाया हुआ है यूजर और पोस्ट के दरमियान. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर एग्जांपल यूजर वन की पोस्ट चाहिए, ठीक है. तो अब हमें यूजर फाइंड बाय वन, ठीक हो गया. और अब हम इसको बताएंगे यूजर पोस्ट / यूजर पोस्ट, ठीक है. अब हम इसको एक, या फॉर एग्जांपल इसको हम डम करेंगे. तो अब देखें हम क्या कर रहे हैं कि हमने सिर्फ अपने यूजर को कॉल किया है और हम बोल रहे हैं कि अब इस यूजर का जितनी भी पोस्ट है ना वो हमें दे दे, क्योंकि हमने रिलेशन वहां बना चुके हैं. तो अब इसको डंप करके देखते हैं कि हमारे पास आता क्या है, ठीक है. ये देखें इसने हमें यूजर जो यूजर आई, देखें यूजर यूजर वन की जो जितनी भी क्या कहते हैं पोस्ट थी वो हमें प्रोवाइड कर दी है. ऑल गुड. इसके बाद फॉर एग्जांपल हम एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट एक और मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, मैन्युअली क्रिएट करता हूँ इसको. यूजर आईडी वन, टाइटल Samsung और हेलो टू Samsung, ठीक है. मैंने यहाँ पे एक और पोस्ट क्रिएट कर दी है यूजर वन की, ठीक है ना. अब एक और दो, अब यूजर की दो पोस्ट हो चुकी है, ठीक है ना. लेकिन हमने तो कहा था कि भाई यूजर की सिर्फ एक ही पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर अब हम रिट्रीव करते हैं तो देखें ये हमें सिर्फ एक ही पोस्ट दे रहा है, इसके अलावा हमें नहीं दे रहा कोई भी पोस्ट, क्योंकि हमने इसको बताया हुआ है कि भाई एक से ज्यादा पोस्ट आपने लेनी नहीं है या ना दिखानी है. तो इसलिए ये
आपकी सिक्योरिटी और भी बढ़ा देता है. फॉर एग्जांपल हर बंदे का एक ही पासपोर्ट होता है या एक ही एनआईसी होता है, तो इसलिए हम ये रिलेशंस वगैरह लगाते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एवरी यूजर हैज ओनली वन एनआईसी, हैज ओनली वन पासपोर्ट. तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम यूजर से पोस्ट ले सकते हैं तो पोस्ट के थ्रू हम यूजर का भी पता कर सकते हैं. लाइक अब उल्टा करना है इसको, उल्टा किस तरह कर सकते हैं हम, तो हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा. पहले हमने एक रिलेशन बनाया था यूजर में कि यूजर हैज ओनली वन पोस्ट, ठीक है ना. तो अब हम पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है ना, पोस्ट के मॉडल पे जाते हैं और हम एक फंक्शन बनाते हैं. पब्लिक फंक्शन यूजर और रिटर्न this belongs to user, ठीक है. अब पहले हमने क्या किया था कि हमने यूजर मॉडल को बताया था कि भाई आपकी एक ही पोस्ट होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी. अब उल्टा कर रहे हैं कि अब हम पहले यूजर से उसकी पोस्ट ले रहे थे, अब पोस्ट के थ्रू हम यूजर को गेट करेंगे कि भाई इस पोस्ट का यूजर कौन है. तो यूजर ठीक हो गया. यहाँ पे हमने एक बिलोंग्स टू का ये बना दिया कि भाई ये जो पोस्ट का मॉडल है ये बिलोंग करता है यूजर को, कि भाई हर पोस्ट एक यूजर को बिलोंग करती है. तो अब हम आते हैं यहाँ पे गेट फंक्शन बनाते हैं, गेट डेटा यूजर, गेट डेटा यूजर फंक्शन. अब पहले हम क्या कर रहे थे कि थ्रू यूजर मॉडल हम पोस्ट गेट कर रहे थे, लेकिन अब हम थ्रू पोस्ट मॉडल यूजर को गेट करेंगे. पोस्ट फॉर एग्जांपल हमें पोस्ट वन का यूजर चाहिए, ठीक है, कि हम देखना चाहते हैं कि भाई इसका यूजर कौन है. तो पोस्ट यूजर, क्योंकि हमने यहाँ पे देखें ये यूजर का, यूजर के नेम से फंक्शन बनाया था, तो इसको यहाँ कॉल कराएंगे और उसका हमें नेम चाहिए, ठीक है. इसको हम डंप करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है. ओके, लुक ये हमारे पास, इसने हमें बता दिया कि पोस्ट वन का जो यूजर है वो उस्मान है. तो हम देखते हैं अब यहाँ पे आके इसका, ठीक है वन है, अब यूजर आईडी वन कौन है, उस्मान है. तो अब हमने क्या सीखा कि किस तरह हम डेटा के साथ खेल सकते हैं या मैनिपुलेशन कर सकते हैं. फर्स्ट पहले हमने थ्रू यूजर हमने पोस्ट गेट की, अब हम थ्रू पोस्ट हम यूजर गेट कर रहे हैं कि भाई इस पोस्ट का यूजर है कौन. ऑल गुड. अब इसके बाद आते हैं हम, हैज वन हमने कर लिया है, अब हैज मैनी की तरफ आते हैं. फॉर एग्जांपल यूजर्स की हम जब कोई भी फेसबुक वगैरह यूज करते हैं तो हम अनलिमिटेड पोस्ट करते हैं, या कोई भी ब्लॉग पोस्ट होता है तो उस पर हम अनलिमिटेड ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं. तो यूजर हैज मैनी पोस्ट्स, तो एक फिर एक रिलेशन बनाएंगे यूजर को, यूजर को बताएंगे कि भाई नहीं अब आप इस बहुत सारी पोस्ट सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया. तो वो as many posts all good, ठीक है. insert तो हमने करना सीख लिया. अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे जब has one use कर रहे थे तो हमारे पास वो जो दो post भी थी वो एक ही आ रही थी. अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह. for example हम ये कर रहे थे retrieve ना,
तो देखिए ये यूजर हमें सिर्फ इस यूजर की एक ही पोज दे रहा है, लेकिन डेटाबेस में तो इस यूजर की एक से ज्यादा पोस्ट है, एक ये भी है वर्डप्रेस और सैमसंग वाली। तो अब हमने इसको, अब हमने मॉडल को बता दिया कि नहीं भाई अब आप एक से ज्यादा पोस्ट भी शो करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अब हम आते हैं राउट गेट स्लैश गेट डेटा एक्स गेट डेटा गेट स्लैश गेट डेटा फाइव के नाम से एक यूज करते हैं, ठीक है। और वेट अ मिनट, हम पहले यूजर को कॉल करवाते हैं, भाई हमें कौन से यूजर, यूजर को कॉल करवाते हैं और यूजर को बताते हैं भाई, हमें मॉडल को बताते हैं कि हमें भाई यूजर वन चाहिए, ठीक हो गया। अब हमने पोस्ट के नाम से एक बनाई थी रिलेशन यूजर मॉडल में, देखे ये पोस्ट के नाम से, उसमें हमने कहा था इसको कि भाई अब आपकी यूजर की एक से ज्यादा पोस्ट भी होगी। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे आते हैं और इसको डंप करके देखते हैं कि अब हमें ये एक से ज्यादा पोस्ट प्रोवाइड करता है या नहीं। लुक, अब इसने हमें एक से ज्यादा पोस्ट प्रोवाइड कर दी है, एक ये वर्डप्रेस वाली और ये प्रोबेबली सैमसंग वाली। तो देखें हैज वन में वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि नहीं भाई मैं आपको यूजर की एक ही पोस्ट दिखाऊंगा, लेकिन जब हमने उसको बताया कि नहीं भाई अब आपकी और भी आप पोस्ट दिखा सकते हैं हैज मैनी के थ्रू, तो इसने हमें सारी पोस्ट शो करवा दी। ऑल गुड। अब हम एक दूसरे रिलेशन की तरफ चलते हैं, मैनी टू मैनी के रिलेशन की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जब कोई ग्रुप फेसबुक पे वगैरह ग्रुप होता है या कोई भी होता है, तो उसके काफी ज्यादा एडमिन भी होते हैं, उसके काफी मॉडरेटर्स भी होते हैं, क्योंकि एक नहीं होता है, इसलिए हम ये करते हैं कि भाई रोल्स हैज मैनी यूजर्स और रोल्स हैज मैनी यूजर्स। तो उल्टा करते हैं हम कि भाई रोल्स के काफी यूजर्स भी हो सकते हैं और एक रोल काफी यूजर्स को भी असाइन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं किस तरह रोल, अब हम एक माइग्रेशन क्रिएट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रोल्स के नाम से, ठीक है। तो php artisan make migrations create roles table create roles what happened oh migration it's not migration all good ठीक है। अब एक और टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट आता है पिविट का। अब पिविट कॉन्सेप्ट करता क्या है, फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी टेबल बनाते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अब हम यूजर वन को रोल वन प्रोवाइड असाइन करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं एक बनाता हूँ पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट यूजर्स फॉर एग्जांपल सॉरी रोल यूजर टेबल create role user all good। अब क्या करते हैं हम npm is open
अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोल के लिए वो बनाते हैं कि भाई रोल स्ट्रिंग नेम, हर रोल का नेम होगा, तो एक एट्रीब्यूट बना दिया हमने, ठीक है। और अब मेन कॉन्सेप्ट आता है ये पिवट का। अब पिवट का कॉन्सेप्ट होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक टेबल है यूजर की और एक टेबल है रोल्स की, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट एक और टेबल बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ फॉरेन कीज पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर यूजर आईडी और टेबल इंटीजर रोल आईडी, ओके। तो अब ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल जब हम यूजर वन को रोल आईडी वन प्रोवाइड करेंगे तो ये रोल यूजर आईडी आ जाएगी इस टेबल में और रोल आईडी आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली यूजर और रोल को कनेक्ट कर देगा। इसको माइग्रेट करते हैं पीएचपी, ओके गुड हो गया। हम देखते हैं क्या हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास रोल्स भी आ गए हैं और ओहो आई थिंक आई डिडंट सेव दैट, डिडंट सेव दैट, ओहो शिट। पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट, सॉरी मैं भूल गया था सेव करना, पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट करके देखते हैं। ऑल गुड, ठीक हो गया हमारे पास ये सब कुछ आ गया है, ठीक है यार। अब फॉर एग्जांपल मैं एक रोल क्रिएट करता हूँ एडमिन के नाम से, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई यूजर वन को मैं एडमिन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बनाते हैं यूजर में कि भाई पब्लिक रोल्स और रिटर्न करवाते हैं बिलोंग्स टू मेनी, ठीक है। अब हमने जब टेबल बनाई रोल्स की तो हम उसके साथ साथ अब एक मॉडल भी क्रिएट करेंगे, पीएचपी रोल्स, पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल रोल, ऑल गुड। हमारे पास एक रोल का मॉडल आ गया है, यहाँ पे इसको कॉल करवाते हैं हम, और इसको बताते हैं रोल क्लास है हमारी, ऑल गुड। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यूजर को बताया कि भाई आपके जो आप रोल्स होते हैं आप एक से ज्यादा भी हो सकते हो, आप एडमिन भी हो सकते हो, आप मॉडरेटर भी हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। तो हमने इसको बता दिया कि भाई रोल्स बिलोंग्स टू मेनी यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स को काफी, क्योंकि एक मॉडरेटर काफी यूजर भी हो सकते हैं, पांच छह एडमिन भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको बता दिया कि भाई बिलोंग्स टू मेनी यूजर्स, ओके। तो अब हम आते हैं कि किस तरह पिवट वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल राउट गेट क्रिएट, क्रिएट के नाम से एक बनाते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि यूजर वन जो है हमारे पास, यूजर वन उसको मैं एडमिन बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो हम किस तरह अब एक ही
उसमें हम एडमिन भी क्रिएट कर देंगे, रोल्स के जो टेबल में एडमिन भी आ जाएगा और वो एडमिन असाइन भी हो जाएगा यूजर वन को। तो पहले तो कॉल करवाते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गेट करना है अपना यूजर। ऑल गुड। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट यहाँ पे हम अपना रोल का जो मॉडल है वो कॉल करवाते हैं। रोल का मॉडल कॉल करवाते हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और हम बोलते हैं एक न्यू रोल, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें हम बताते हैं कि भाई जो नेम है वो होना चाहिए एडमिन। अब ये क्या कर रहा है कि ये पहले रोल के टेबल में अपनी एक रो ऐड करेगा एडमिन के नाम से, और इसके साथ साथ ही मुझे यूजर को असाइन भी करना है ये। तो यूजर, अब हमने यहाँ पे यूजर के मॉडल में फंक्शन बनाया था बिलोंग्स टू मेनी का, जिसका हमने नाम रखा रोल्स, ठीक है, और हम करेंगे सेव का सेव में। और हमने क्या करना है, अब देखें, अब हम इसको यूजर को यहाँ असाइन कर रहे हैं रोल और हम बोल रहे हैं कि भाई आपने ये सेव भी करना है साथ साथ रोल्स, ठीक है, और रिटर्न करवाते हैं एडमिन ये, ओके, ऑल गुड। अब चेक करके देखते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है। ठीक है, इसने वापस हमें बोल दिया है कि भाई आप रोज में जाके आप मॉडल को बताएं कि भाई आपने क्या क्या सेव करवाना है। तो अब जाके मॉडल में जाएंगे रोल के और रोल को बताएंगे कि भाई आपके पास सिर्फ जो वैल्यू आएगी वो रोल नेम की आएगी, इसके अलावा आपके पास आपने कोई भी आया आपने एरर दे देना है, ठीक हो गया। तो ये बोल रहा है एडमिन ये। तो अब हम देखते हैं डेटाबेस में होता क्या है। रोल्स में आते हैं, हमारे पास यहाँ रोल्स में एक रोल भी बन गया एडमिन के नाम से, और हमने साथ साथ ये भी किया था यहाँ पे देखें कि भाई रोल बनने के बाद आपने यूजर वन को ये रोल असाइन भी करना है। तो अब देखते हैं असाइन किया या नहीं किया इसने। तो देखें यहाँ पे आपका पिवट का कॉन्सेप्ट आ गया कि जो रोल आईडी है वो वन है और यूजर आईडी वन को असाइन करना था, तो रोल यूजर में नाम में आएंगे। तो यहाँ देखें यूजर आईडी वन आ गई और रोल वन आ गया, तो समझ लें कि इसका मतलब है कि ये असाइन हो चुका है इसको। तो फॉर एग्जांपल चेक करके देखते हैं कि किस तरह हम इसको चेक करते हैं। तो राउट गेट रोल फंक्शन, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे चाहिए कि भाई यूजर जो वन है उसके रोल का नेम क्या है। फॉर एग्जाम्पल यूजर, यूजर को कॉल कराएंगे पहले तो, यूजर रोल्स, ठीक है, अब मैं इसको डंप करके देखता हूं तो हमारे पास देखें क्या वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब देखें ये हमें इसने हमें एक हमें बता दिया है कि भाई जो यूजर वन है उसका रोल क्या है, एडमिन है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूं कि ये मुझे सिर्फ उसका नेम दे दे, तो प्लक, प्लक का फंक्शन आता है और हम नेम को प्लक करके देखते हैं। तो देखें इसने हमें बता दिया है, हमने और डेटा सिंप्लीफाई कर दिया, हमने कहा कि भाई रोल्स में से
आप मुझे सिर्फ उस रोल का नाम दे दो जो उसको असाइन है और मुझे कुछ भी नहीं देखना। तो ये प्लग का फंक्शन आता है एलिक्वेंट में। फॉर एग्जाम्पल आप लारावेल की वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर डेटाबेस पे जाएंगे, तो यहाँ पे एलिक्वेंट में कलेक्शन में आप जाएंगे, पढ़िएगा इसको जरूर क्योंकि काफी ईजी लिखी हुई है। और मैं आपको दिखा दूँ फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप्स कलेक्टर्स में, अब देखें ये बेस कलेक्शन, आप यहाँ पे आएंगे तो देखें इसने एलिक्वेंट ने आपको तकरीबन सारे की सारी फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं जिससे आप काफी काम कर सकते हैं, काफी काम ले सकते हैं और एक की फंक्शन में आपके बहुत से काम हो सकते हैं। तो इसी तरह एक प्लग फंक्शन भी है जिसका, जिससे हमने सिर्फ उसका नेम लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर वन जो है उसको मैं चाहता हूँ कि भाई एडमिन से हटा दूं, मेरे को मुझे नहीं चाहिए वो एडमिन। तो अब क्या फॉर एग्जाम्पल एक राउट बनाते हैं, ठीक है, डिटैच के नाम से फंक्शन ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो जिस यूजर को हमने हटाना है एडमिन से, तो वो यूजर गेट करते हैं पहले, वो यूजर था वो वन, ठीक है, यूजर वन गेट किया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने वो रोल चाहिए जो हमें उसको रिमूव करना है, तो रोल फाइंड बाय वन, ओके। अब हमने यूजर के मॉडल में जो हमने रिलेशन बनाया था रोल्स के नाम से, ठीक है ना, तो अब हम इसको बताएंगे कि भाई आपने इस यूजर से ये वाला रोल डिटैच कर देना है। तो डिटैच का एक ऑप्शन फंक्शन आता है, उसमें हम अपना सीधा सीधा रोल प्रोवाइड कर देंगे कि भाई ये वाला रोल इसे डिटैच कर देना है, और रिटर्न करेंगे एडमिन रिमूव्ड, ठीक हो गया। अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एडमिन रिमूव्ड। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये, अब रिफ्रेश करके देखते हैं, देखें इसने यहां से यूजर आईडी भी रिमूव कर दी है और रोल आईडी भी रिमूव कर दी है, और रोल में अपना एडमिन वहीं पर ही है, यूजर अपना वहीं पर ही है, इसलिए हम पिवट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप फेसबुक को देखते हैं, उसका जो लाइक वाला सिस्टम है, वो लाइक वाला सिस्टम भी ऐसी है कि पोस्ट आईडी और यूजर आईडी, वरना अगर आप इस तरह करेंगे तो दूसरी, अगर यूजर आईडी में आप पोस्ट आईडी या पोस्ट आईडी में लाइक का सिस्टम करेंगे तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम पिवट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो अलग रखते हैं ताकि हम चीजें असाइन कर सकें, चीजें रिमूव कर सकें। और फॉर एग्जाम्पल मैं अपने यूजर वन को वापस एडमिन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो सिंपली अटैच, अटैच का फंक्शन है, अटैच करेंगे इसको, ओके, एडमिन, एडमिन अगेन, ओके, अटैच पे जाते हैं, तो ये कह रहा है कि एडमिन अगेन। तो अब हम यहाँ पे आके पिवट में वापस देखते हैं, तो इसने देखें अगेन हमें यहाँ पे यूजर वन को रोल आईडी वन असाइन कर दी है। अब इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन वो बिल्कुल पूछे। If anyone have a question, you can ask. Guys, आप questions mic unmute करके पूछ सकते हैं या chat में भी पूछ सकते हैं। Kindly hesitate ना करें, आराम से पूछें भले।
आई थिंक उस्मान ऑल क्लियर है, प्रोसीड करें। तो उस्मान देर, हेलो आई एम हियर। जी तो यार कोई सवाल नहीं, क्वेश्चन प्रोसीड करें डायरेक्ट बस। तो आज के सेशन में हमारे लिए इतना ही है, और काफी चीजें हमने पढ़ी डेटाबेस में, किस तरह कितने तरीकों से हम डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कितने तरीकों से हम डेटा ले सकते हैं, तो और किस तरह माइग्रेशंस क्रिएट होती हैं। अच्छा एक सेकंड होल्ड गाइस, हमें अभी यहाँ पे एक फॉर्म डाल रहा हूँ, अटेंडेंस एंड फीडबैक फॉर्म। तो आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं, तो काइंडली आप उसको फिल कर लें। जी उस्मान जी, तो हम किस तरह टेबल्स क्रिएट करते हैं यूज माइग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेशन बनाने की, अब माइग्रेशन ना भी बनाए डायरेक्ट टेबल भी बनाएंगे ना तो चलेगा, लेकिन माइग्रेशन हम इसलिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप माइग्रेशन बनाते हैं और आप अपना प्रोजेक्ट किसी दूसरे सिस्टम में लेके जाते हैं, तो आपको फिर एक ही कमांड सिर्फ पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट कमांड से आप पूरी अपना डेटाबेस ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए काफी इजी हो जाता है कि माइग्रेशन बनाए, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन बना लें तो बहुत अच्छी बात है। If anyone have a question, वो पूछ सकता है। और लारावेल का मैं आपको एक और फीचर बता दूं कि लारावेल ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन किस तरह प्रोवाइड करता है। तो आप ये लारावेल में सिक्योरिटी में आएंगे, ऑथेंटिकेशन, ठीक हो गया। तो अब लारावेल आपको ऑटोमेटिक जो बिल्ट इन जो यूजर ऑथेंटिकेशन है वो किस तरह प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, या आपका 10 मिनट्स ले लेगी रन करने में, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये कमांड रन करेंगे, ठीक है, मैं आपको रन करके दिखा देता हूं इधर। गाइज अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी, और मैंने फीडबैक और अटेंडेंस फॉर्म नीचे चैट में डाल दिया है, तो काइंडली आप उसको फिल कर दें फॉर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसने हमें एक ये दे दिया है कि भाई ऑथेंटिकेशन स्कैन फोल्डिंग जनरेटेड सक्सेसफुली, ओके। तो उसने हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऑल गुड हो गया। इसके बाद आप ये एक इस आज लारावेल 7 में इन्होंने एक फीचर चेंज कर दिया है, इसके लिए npm रिक्वायर्ड होता है। आप नोड जाके यहाँ से नोड js यहाँ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से गूगल नोड js आप इस उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड कर लें। इसके बाद आप npm रन करेंगे, मैंने रन किया हुआ है आई थिंक। जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर बन जाएगा नोड मॉड्यूल्स के नाम से। लेट मी सी फॉर एग्जांपल नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। हम फिर भी रन करके देख लेते हैं इसको एक दफा।
npm मैंने आई थिंक इंस्टॉल कर लिया था, तो मैं npm run def करूंगा, तो आई थिंक ये चलना चाहिए। ठीक है, npm नहीं है हमारे पास, तो npm install। It will take a few seconds. ठीक है, हमारे पास देखें, जब npm run करेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे node modules का एक folder create हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है हमेशा इसमें, क्योंकि इसमें काफी मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, हो गया हमारे पास। अब हम एक कमांड चलाते हैं, npm run। ठीक है, ऑल गुड, इसने हमें कंपाइल करके दे दिए फ्रंट एंड की जितनी भी जो लॉगिन रजिस्टर्ड की जेएस वगैरह थी। तो अब हम जाके चेक करते हैं, देखें अब हमारे पास इसका बिल्ट इन लॉगिन और रजिस्ट्रेशंस वगैरह। अब हम चेक करके देते हैं किस तरह रजिस्ट्रेशंस होती है। फॉर एग्जांपल abc@gmail.com पासवर्ड हम कोई भी रख लेते हैं। जब आप रजिस्टर्ड करेंगे इसने क्या, यू आर लॉग्ड इन। यहां से आप इजी लॉग्ड आउट भी कर सकते हैं, वापस भी लॉग इन कर सकते हैं। तो लारावेल में मेन थिंग ये होती है कि आपको ये सारी ऑथेंटिकेशन बिल्ट इन प्रोवाइड कर देता है। अब इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, दिस इज द एंडिंग नोट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं यहाँ पर चैट में या माइक अनम्यूट करके। उस्मान सारा पूछ रही है कि लारावेल से भी कोई बेहतर फ्रेमवर्क है जो आप रिकमेंड करेंगे। देखें बेसिकली लारावेल आजकल काफी हाईली डिमांड में चल रहा है, ठीक ओके, और पीएचपी के लिए। और अगर आपको कोई चीज इसमें, मैं तो समझता हूँ अभी तक से जितने भी फीचर्स हैं सबसे ज्यादा लारावेल में ही हैं। उसके बाद पाइथन का फ्रेमवर्क है जेंगो, वो काफी अच्छा फ्रेमवर्क है, लेकिन मैं बैकएंड के लिए हमेशा प्रेफर करूंगा लारावेल पे काम करें। इसमें काफी फीचर्स हैं, इसके फीचर एक्सप्लोर करें, हर चीज देखें, क्योंकि और लारावेल की मार्केट में काफी डिमांड है। तो मैं तो आपको पहले यही बोलूंगा कि लारावेल पे काफी वर्क करें आप। अच्छा यार, मोहम्मद हसन पूछ रहे हैं कि लारावेल के कुछ और फीचर्स ही बताएं आप। ठीक है, अब लारावेल के हमारे पास एक तो मेन जो फीचर है वो ऑथेंटिकेशन का, मैंने दिखा दिया आपको कि बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन किस तरह होती है इसमें। फिर लारावेल हमें एक सीडर और मॉडल फैक्ट्री का भी एक कॉन्सेप्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक सीडर क्रिएट करते हैं, सीडर होता क्या है, बेसिकली आपके पास आपको एक डमी डेटा क्रिएट करना है, तो आप बार बार इधर क्या कहते हैं यूज नहीं करेंगे, बार बार इंसर्ट नहीं करेंगे, काफी टाइम लग जाता है। तो आप सीडर क्रिएट करते हैं, उसमें क्या होता है वो रेंडमली यूजर्स क्रिएट करता है, फिर
यूजर्स के रैंडमली पोस्ट क्रिएट करता है, तो इससे ये होता है कि आप फिर जब क्या फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोजेक्ट को किसी दूसरे सिस्टम में भी लेके जाते हैं, तो आप एक ही कमांड में सीडर का कमांड यूज करके आप अपने डेटाबेस में डमी डेटा क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जो मेन क्या कहते हैं जो फीचर है एलिक्वेंट का, इसको एक्सप्लोर करें क्योंकि काफी ज्यादा चीजें इसमें, एक एक इसके फंक्शंस को फंक्शन को देखें ताकि आपको और इंटरेस्ट डेवलप हो इसमें। ओके यार उस्मान, अपना लोग बोल रहे हैं कि अगर जी जी स्पीकर उनका कांटेक्ट मिल जाए तो आप अपनी ईमेल या कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे ताकि बाद में आपको कांटेक्ट कर सकें। जी बिल्कुल, मैं अपनी ईमेल आपको दे देता हूँ। क्या कहते हैं समद, मैं आपको मेल भेज रहा हूँ, तो आप जिस जिसको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जिनको चाहिए वो आप दे दें। ओके ओके ओके। अच्छा यार नेहा पूछ रही है कि लारावेल बूटस्ट्रैप यूज करती है क्या? जी बिल्कुल करती है, लारावेल बूटस्ट्रैप यूज करती है, बिल्कुल करती है। लारावेल में आप बूटस्ट्रैप इस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि आप जब बूटस्ट्रैप डाउनलोड करते हैं तो उसकी फाइल्स आप यहाँ पे पब्लिक में जाके आप यहाँ पे CSS और JS में आप अपनी इसकी फाइल्स आप यहाँ पे स्टोर करवाते हैं, तो फिर वो आप यहाँ से पब्लिक से थ्रू पब्लिक फोल्डर वो आपकी बूटस्ट्रैप को यूज करता है। अच्छा गाइज मैंने उस्मान की मेल चैट में डाल दी है, आपको अगर किसी को भी कोई भी मसला हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो आप इसको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं इनको। ओके किसी और को कोई क्वेश्चन है? अच्छा आई थिंक दैट्स इट। वीडियो रिकॉर्डिंग जल्द ही अपलोड हो जाएगी और मोस्ट प्रॉब्ली वो यूट्यूब पर होगी और फेसबुक पर भी इसको शेयर कर लेंगे, तो आप SCS के पेज पे या SCS के YouTube चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। PPT will be provided और मैं अभी दे देता हूँ आपको समझ पे, आपको मैं अभी लिंक दे देता हूँ, रुके हैं मैं आपको लिंक दे देता हूँ। गूगल पे है मैंने PPT प्रोवाइड कर दी है, इसमें काफी चीजें और भी मैंने डिटेल में बताई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं इजीली उसको, काफी इजी करके मैंने लिखा है सब कुछ, कोड भी लिखा है इतना मुझे याद है। जी जी बिल्कुल लिखा हर चीज का, मतलब पूरे अलग अलग तरह के। वेलकम, सही है बेस्ट है बेस्ट है। अच्छा और कोई क्वेश्चन? ओके आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू उस्मान। उस्मान भाई मेरा, अच्छा मुगेरी जी जी उस्मान भाई मेरा एक सवाल है कि डेटाबेस हम जो यूज कर रहे हैं XAMPP, इस क्या लारा के लिए हम दूसरा कोई डेटाबेस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप लारावेल में ओरेकल भी यूज कर सकते हैं, SQLite भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं लारावेल के साथ। इसके लिए माना सिंपल जो वे है डेटाबेस यूज करने के लिए कि हमारे पास ओरिकल यूज करें या ज्यादा प्रेफर करते हैं या XAMPP करें, इसमें से कौन सा है? अब देखें मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो MySQL यूज करता हूं जब भी कोई मुझे काफी बड़े डेटा के साथ मैनिपुलेशन करनी होती है, क्योंकि फेसबुक भी MySQL यूज करता है, काफी पावरफुल है। जी अच्छा उस्मान वकार पूछ रहे हैं कि NoSQL यूज कर सकते हैं क्या? फायरबेस वगैरह? जी जी फायरबेस आई थिंक नहीं, फायरबेस देखें, फायरबेस और जो NoSQL ज्यादातर यूज होते हैं वो ज्यादातर फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क के साथ यूज होते हैं, जैसे Vue.js एंगुलर के साथ आप यूज किए हैं, मैंने कभी यूज नहीं किया बैक एंड के साथ। ओके जी MongoDB और फायरबेस जितने मुझे याद है सेम ही होता है, ऑलमोस्ट जस्ट वो ऑनलाइन होता है, सिंक्रोनाइजेशन होती है उसके अंदर। जी अच्छा गाइस और कोई क्वेश्चन?
मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही सेम है, किसी हद तक वो दोनों सेम है, MongoDB और Firebase। एनी क्वेश्चन गाइस? तो अभी रैप अप करते हैं फिर। उस्मान कुछ जी जी रहता है? बिल्कुल, नहीं कुछ भी नहीं रहता, सारी बेसिक्स मैंने प्रोवाइड कर दी हैं आपको, और इससे ज़्यादा डिटेल में मैंने स्लाइड्स में भी आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया है। और बिल्कुल अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं हैं तो इसको मीटिंग फिनिश करते हैं। ओके, तो थैंक यू यार, आपने इस्लामाबाद से डायरेक्ट ज्वाइन किया और हमारे लिए टाइम निकाला और इतना अच्छा सेशन दिया है। थैंक माय प्लेजर यू सर, सो मच उस्मान। थिंक नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।